अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अदनान शुएब, फैकल्टी मेंबर एट कॉम्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आई हैव डन माय एमफिल फ्रॉम नस्ट इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड करंटली आई एम अ पीएचडी स्कॉलर एट बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एंड टुडेज आर लेक्चर इज़ ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आर कोर्स इज इशूज इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस MGT 680। पहला लेक्चर हमारा रहा था रिगार्डिंग अकाउंटिंग हिस्ट्री, कि हमने उसमें पूरी हिस्ट्री को टच किया था कि हिस्ट्री कहाँ लाए करती है, किस तरह रहती है, क्या होती है, किस बेसिकली मूव कहाँ से की है, आए कहाँ से, हिस्ट्री एक्चुअली बनी किस तरह, कहाँ से अकाउंटिंग आई, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई। टुडेज आर लेक्चर इज मोर टुवर्ड्स द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमारा बेसिकली कोर्स जो है वो ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग से डील करता है। जो फर्स्ट आप लोगों ने जब ऑन योर बैचलर साइड जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने ज़्यादातर इंट्रोडक्टरी साइड पढ़ी कि हाँ जी बिजनेस को किस तरह हमने अकाउंटिंग करनी है उनकी, उसमें किस तरह हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। वो दैट वॉज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द होल कोर्स। नाउ वट वी आर स्टडिंग इज द इशूज रिलेटेड टू दैट थिंग एंड दैट इज ऑल्सो बींग फाइंड इन द मिडल ऑफ द बिजनेस, कि जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका हो उसके बाद क्या इश्यूज आएंगे। दैट्स व्हाई वी यूज सम इंटरमीडिएट अकाउंटिंग इन दिस कोर्स इन विच यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से डिसीजंस कहाँ कहाँ लेने पड़ते हैं और डिफरेंट चीज़ें जिस पे इश्यूज होते हैं उनको हम अकाउंट फॉर किस तरह करते हैं ड्यूरिंग योर बिजनेस। सो टुडेज आर लेक्चर इज मोस्टली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या और उसके स्टैंडर्ड्स किस तरह वर्क करते हैं। देर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑल्सो रिगार्डिंग इट। सो इन दिस कोर्स वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द बुक ऑफ कैसियो एंड वरहेट नेम्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग 14th एडिशन एंड फ्रॉम विच दिस फर्स्ट चैप्टर इज बींग टेकन एंड लेट स्टार्ट विद इट। Now there are some learning objectives regarding this session. First one is the major financial statements and other means of financial reporting. What are the means for reporting certain financial statements? Explaining how accounting assists in efficient use of scarce resources. Now definitely resources are always be scarce. There is always no concept of unlimited resources. Identify objective of financial reporting, ki what are the objective of financial reportings and what are the needs for setting these standards. Kya zarurat padi ki hum log ye different standards banaye, ki zaruri hai kya, jis tarah hum log ne asset or liability padhi hai kya aise hi asset or liability honi chahiye, koi aur tarika kyun nahi use kar sakte, kya wajah hai ki unhe hum log ne ek tarike pe set out kar diya hai. Then we have identify major policy setting bodies, कौन कौन सी bodies थी जिन्होंने मिलकर ये rule बनाया जिसे हम लोग gap कहते हैं, generally accepted accounting principle, G for generally, A for accepted, A for accounting, P for principle. Then explaining the means of generally accepted accounting principle, कि उसका actually मकसद क्या है. Then they describe the impact on the user and rule making processes and then there are some also challenges regarding these financial reporting standards and understand the issues and ethics of the financial account. So today's our basic learning objectives are these. Whole chapter is being identified in this web. I have identified this in the web. कि आप इस पूरे डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने पढ़ना क्या है, किस तरह हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन विच वी आर गोइंग टू सी अकाउंटिंग एंड कैपिटल एलोकेशन ऑब्जेक्टिव्स नीड टू डेवलप स्टैंडर्ड्स पार्टीज इन्वॉल्व इन स्टैंडर्ड सेटिंग दैट इंक्लूड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान ऑल्सो हैज अ सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन इन पाकिस्तान वी ऑल्सो डिस्कस इट लाइक दैट अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ CPAs दैट इज ऑल्सो बींग डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड FASB दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये कैसे डेवलप हुआ, किस तरह डेवलप हुआ, क्या हुआ इसके बेसिकली इट्स एक्चुअली अ हब ऑफ दैट गैप रूल ये गैप रूल का ये हब है एक तरह से कि जहां से सारे के सारे रूल्स यहां के कन्फाइन हुए एंड डेवलप द गैप रूल्स चैलेंजिंग रोल्स ऑफ AICPA दैट आल्सो बीइंग स्टडीड इन दैट FASB कोडिफिकेशंस कि कोडिंग वो कैसे की है
किस तरह हुई है, किस तरह अकाउंटिंग की डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की, करंट एसेट्स की ये डेफिनेशन होनी चाहिए, करंट लाइबिलिटीज की ये डेफिनेशन मस्ट है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज किन को कहना है, लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स्ड एसेट किसको कहना है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इनका क्या रोल है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, एक्सपेक्टेशंस गैप दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी विल सी इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं हमारे पास, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हमारे पास, एंड एथिक्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है अकाउंटिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अकाउंटिंग ऑलवेज नीड्स एथिक्स, एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अकाउंटिंग, बिकॉज इफ देर इज नो एथिक्स इन द अकाउंटिंग दैट लीड्स टू द फ्रॉड. फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नाउ वी आर परस्यूइंग आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. Essential characteristics of accounting are identification, measurement, communication. These are the most important characteristics of a financial reporting. Then it is always be done for the economic entities, because ye kisi aur cheez ke liye nahi kar sakte jisme hum personal use ki baat kar rahe hain. It is always done for the economic entities ki jo economically viable things hain unke liye hamesha financial reporting zaruri hai. Sometimes हम पर्सनली बहुत सारे खर्चे करते हैं, बट देर इज नो अकाउंटिंग फॉर इट बिकॉज देर इज नॉट इकोनॉमिक एंटिटी, दैट इज आर पर्सनल एंटिटी, सो इट रिक्वायर्स टू हैव अ इकोनॉमिक एंटिटी टाइप ऑफ थिंग्स. इंटरेस्टेड पार्टीज, वेन समवन इज इंटरेस्टेड ऑन योर अकाउंट्स एंड योर डिक्लेरेशन एंड मेजरमेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अगर किसी को जरूरत है आपकी अकाउंटिंग की, आपके ओवरऑल जिसे कहते हैं हम कि ओवरऑल आपके फाइनेंशियल्स को देखने की, तब तो आपको जरूरी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अदरवाइज जरूरी नहीं होती. वी मीन्स टू से कि व्हेन देयर आर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड बी मस्ट, एंड व्हेन देयर इज नो यूजर्स व्हाई वी आर डूइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का होना बहुत जरूरी होता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या क्या चीज जरूरी होती है, इकोनॉमिक एंटिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, और यू कैन से द स्टेप्स ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फर्स्ट इकोनॉमिक एंटिटी, वी ऑल रिकॉर्डिंग ऑफ द इकोनॉमिक एंटिटी विल बी डन लाइक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग, आइडेंटिफाई, मेजर एंड कम्युनिकेट्स. जो आपने पहले स्टडी किया था डेबिट एंड क्रेडिट, वो क्या था, हम लोग कर रहे होते थे इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे होते थे, हर एंट्री को पास कर रहे, जर्नल क्या चीज थी, वो हर एंटिटी हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा होता था. देन कन्वर्टिंग देम इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी एंड ऑल डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट्स. देन वी रिक्वायर एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक प्रेजिडेंशियल प्रेजिडेंट लेटर, एजीएम मीटिंग, ओवरऑल कंसर्न्स, रिपोर्ट फाइल्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, न्यू रिलीजेस, फोरकास्ट, दीज ऑल आर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर इंक्लूड होती है. और ये सब चीजें मिलाते हैं तो हमारे पास एक बुकलेट आती है हर कंपनी की, जिसे हम कहते हैं एनुअल रिपोर्ट. और वो एनुअल रिपोर्ट इन तीनों चीजों को कंबाइन करती है तो बनती है. एंड वन मोर थिंग, गैप रूल्स आर अप्लाइड मोस्टली ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग of financial statements that are not involved in economic activity and additional information. They are more towards the financial statements reporting. Well, I have included some review questions regarding some financial reporting standards and how these review questions can be answered. First review question is that it's a multiple choice question, that is not like huge questions or some subjective questions. These are the just multiple choice questions that in which you can add something in your mind. Ke ek notch reh jata aapke paas ke yes, this is the thing, that is the basic concept behind all this discussion. So till now what we have done is, what is the purpose of information presented in notes to the financial statement? हमने भी पिछले में देखा था कि जरूरी क्या था in balance sheet, income statement, statement of cash flow, in statements of owner's equity and notes. What is the purpose behind presenting the notes? First, to provide the disclosure required by the generally accepted accounting principle. No, because generally accepted accounting principle भी एक तरह से उसको चाहिए होता है. लेकिन at the same case when we talk about gap, तो gap का एक तो रूल ये भी तो है ना कि फुल डिस्क्लोजर, सो दैट मींस ए कैन बी एन ऑप्शन टू करेक्ट इम्प्रॉपर प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम ये भी कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर करेक्ट करने के लिए कर किया जा सकते हैं. अदर टू ऑप्शंस आर टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन ऑफ अमाउंट नॉट इंक्लूडेड इन टोटल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
No, it's not possible. We can say that, but at the same time, sometime off balance sheet items will be recorded in notes of accounts. So that option could be possible in it. To present management response to the auditor's commitment. That is also being possible. But in this case, we can see that A, B, and C, and D, one of the option would be right. But the basic purpose of information presented in rules would be A. The first one we have discussed, because to provide disclosure required by generally accepted accounting principles. When you have seen the whole web on last slide, the down thing is written gap. The gap is the requirement of the notes are the requirement of the generally accepted accounting principle, जिसकी वजह से हमें notes of accounts भी जरूरी हैं, because gap का एक rule हमने जो accounting history में पढ़ा था कि वहाँ पे एक चीज़ जरूरी required होती है, that is the full disclosure of accounting, कि accounting की full disclosure हमने must करनी है, otherwise gap का purpose खत्म हो जाता है. Next thing is the accounting and capital allocations. Resources are limited. Efficient use of resources often determines whether whether a business thrives or not. Efficient resources बताती हैं कि भाई क्या business आपका thrive करेगा या नहीं करेगा. Financial reporting. The financial reporting a company provides to help user with capital allocation determine the decision about the company. Users, investors, creditors use financial report to make their capital allocation decisions. And then capital allocation, the process of determining how and what cost money is allocated among competing interest. Means to say we are on that level, that capital allocation. हमने कितना पैसा कहाँ लगाना है? That's very important thing. इसी के साथ, if you remind our previous lecture जिसमें हमने एक बात की थी conservatism की. Conservatism is very important in case of capital allocation, कि आप उसमें हमेशा lower side को देखते हैं as compared to upper side. For example, आप किसी भी expense पे over expenditure को avoid करना चाह रहे होते हैं, lower को ज़्यादा prefer कर रहे होते हैं. Means to say you are going for the cheaper one rather than costly one. So that is the conservatism is required in capital allocation. In capital allocation के लिए conservatism is required. Accounting and capital allocation. Then again a review question I have reported in. An effective process of capital allocation is critical to a healthy economy which promotes productivity. One, encourage innovation, provides an efficient and liquid market for buying and selling activity, all of above. If you see from all these options, effective process of capital allocation, जब भी हम resources अच्छी तरह use करेंगे, जरिये बाद productivity बढ़ेगी, first one भी is right, encourage innovation, जब आपके पास पैसे बच जाएंगे, या आपके पास overall funds या resources बच जाएंगी, you have a room to have some innovations, okay, that is also being right, provide an efficient and liquid market for buying and selling securities, that is also being there, कि when you have a funds you can have an efficiency and also liquid market for buying and selling securities. When you have a funds, you have a resources, you can easily buy and sell the securities. And D is the all of above. And the answer would be all of the above. Because all of these things are being covered by the effective process of capital allocations. Now, the objective of the financial reporting. Provide financial information about the entity that is useful to present and potential equity investors, lenders and other creditors in making decision in their capacity as capital provider. Means these are the basic objectives of financial reporting. कि इसके objective में क्या चीज़ है? Present potential equity investor. कि जिसने आपके shares में invest किए, उन्हें आपने कुछ show करना है कि yes, your money is not being wasted. हमने profit कमाया है और हमने अपनी पूरी position या अपनी value को increase किया है. Lenders definitely, जब आपने credit लेना है, credit worthiness बहुत important चीज़ होती है. और credit worthiness या credit की chances तब बढ़ते हैं when you are profitable and you can easily show that there is certain things जिसकी वजह से हमें credit मिलना चाहिए. अगर आप profit नहीं loss show करेंगे, कोई भी आपको lend as a loan कोई चीज़ नहीं देना चाहेगा, credit पे कोई चीज़ नहीं देना चाहेगा. And इसी तरह other creditors, जो दूसरे creditors आपके पास हैं, जिसमें sundry creditors आते हैं, any other, these are also being interested on the financial reporting.
जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वाइड वैरायटी ऑफ यूजर्स, प्रोवाइड द मोस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन पॉसिबल एट लीस्ट कॉस्ट. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मीन्स टू से वैरायटी ऑफ यूजर्स को जाना चाहिए एंड मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन एट लीस्ट कॉस्ट पहुंच जाए. लीस्ट कॉस्ट का मीन्स इस तरह है, इफ यू हैव मेंटेनिंग जनरल एंट्रीज, यू आर मेंटेनिंग ट्रायल बैलेंस, यू आर मेंटेनिंग एडजस्टिंग एंट्रीज, यू आर मेंटेनिंग adjusted trial balance, you are maintaining income statement, then balance sheet, and you have everything separately done. If you are going to count the pages, how much these pages gets, almost registers and registers will be filled up. बहुत सारे registers भर जाएंगे. But easy compiled form में आपने किस तरह से लेके आना, in the form of annual report. And that lots of documents or lots of data would be compiled in single annual report. That means you are getting it in a least cost. आपको सारी transactions को देखने की जरूरत नहीं है, आपको trial balance को देखने की जरूरत नहीं है, आपको तीन चीजें देखने की जरूरत है, a balance sheet, income statement, cash flows and notes of accounts and owner's equity. तीन main financial statements, that is balance sheet, income statement, statement of cash flow and the two others, statement of owner's equity and notes of accounts. So that means that is compiled to a least cost thing. Equity investors and creditors, investors are the primary user groups, definitely. Every time, the most important user for that annual report is the investor. ज़्यादातर बनती ही उनके लिए है, क्योंकि वो ज़्यादा important होते हैं. Shareholders' equity is most important because the ultimate goal of every firm is to increase the shareholders' wealth. It's not of the profit, it's increasing the shareholders' wealth. So the most important thing is कि आप उनकी वेल्थ को इंक्रीज करें, और उनकी वेल्थ तब इंक्रीज होगी जब वो कंपनी को अच्छा प्रिज्यूम कर रहे होंगे, अच्छा देख रहे होंगे. और कंपनी का आईना या उसका मिरर क्या होता है, उसकी एनुअल रिपोर्ट होती है. अगर वो अच्छा दिखाएंगे तभी वो आगे फर्दर उसकी वैल्यू में इंक्रीज नजर आएगा. अगर वो अच्छी नहीं आएगी तो आपके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भी है वो भी आपकी कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेंगे. एंटिटी पर्सपेक्टिव, कंपनी व्यूड एज सेपरेट एंड डिस्टिंक फ्रॉम देयर ओनर. हमेशा कंपनी को सेपरेट एंटिटी कंसिडर किया जाता है कि दैट इज सेपरेट एंटिटी, और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ पर्सन कि अलग आदमी है या अनदर ह्यूमन बीइंग है जो अपने आप को खुद रन कर रहे हैं. दैट इज समथिंग सेपरेट. ह्यूमन बीइंग भी नहीं कहेंगे बिकॉज इट्स नॉट लाइवली. इट्स समथिंग लाइक सेपरेट ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन. हम किसी का ओनरशिप नहीं कहते बिकॉज कंपनी के अंदर बहुत सारे ओनर होते हैं, और बहुत सारे ओनर मिलके उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट का उन्हें रिटर्न दे. सो एंटिटी पर्सपेक्टिव इज ऑल्सो बींग देयर. डिसीजन यूजफुलनेस, इन्वेस्टर आर इंटरेस्टेड इन असेसिंग द कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट नेट कैश इनफ्लो, मैनेजमेंट एबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस कैपिटल प्रोवाइडर्स इन्वेस्टमेंट्स. दीज आर इंपॉर्टेंट डिसीजन यूजफुलनेस. फर्स्ट, एबिलिटी टू नेट कैश इनफ्लो. पहला काम क्या है कि आप किस तरह अपना कैश इनफ्लो बढ़ाएंगे, इन अदर वर्ड्स अपना प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करेंगे. एंड अदर वन कि अपने कैपिटल को मैक्सिमम यूजेज विद मिनिमम कॉस्ट हम कैसे शो कर सकते हैं. दीज आर द टू थिंग्स रिक्वायर्ड. दैट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कि हम उसमें मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं, और अपना नेट कैश इनफ्लो कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं. नीड टू डेवलप स्टैंडर्ड्स. क्यों जरूरत पड़ी नीड डेवलप करने की स्टैंडर्ड्स. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर द ऑब्जेक्टिव नंबर फोर. फर्स्ट वन, वेरियस यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन के यूजर्स बहुत थे. द अकाउंटिंग प्रोफेशन हैज अटेम्प्टेड टू डेवलप अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट आर जनरली एक्सेप्टेड एंड यूनिवर्सली प्रैक्टिस्ड. कि अकाउंटिंग प्रोफेशन को जरूरत पड़ गई कि ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हों. क्यों यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हों? बिकॉज अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है और उसकी एनुअल रिपोर्ट डिफरेंट तरीके से बनी है, और किसी आउटर कंट्री की एनुअल रिपोर्ट किसी डिफरेंट तरीके से बनी है, तो यू कांट कंपेयर इट. इन्वेस्टर हमेशा कंपेयर करता है चीजों को. कैसे कंपेयर करता है? जैसे एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करेगा और देखेगा कि विच वन इज बेटर, और उसमें इन्वेस्ट करेगा. अब अगर दोनों के स्टैंडर्ड सेम नहीं है तो क्या कंपेयर हो सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल कि दोनों को कंपेयर किया जाए. इसी तरह अब्रॉड कंपनीज को लोकल कंपनीज के साथ कभी कंपेयर किया जाता है. जब उन दोनों को कंपेयर किया जाता है, देन अगेन द इशू इज ऑफ कंपैरिजन इफ देयर इज नो सिंगल रूल्स और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल्स. सो फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन वी रिक्वायर
a certain developed standards on which each and every financial statement should be developed, and that rules are known as generally accepted accounting principle. और वो किन किन चीजों पे अप्लाई होता है? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ शेयरहोल्डर्स इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नोट्स डिस्क्लोजर, नोट्स ऑफ अकाउंट्स. दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इग्नोर नोट्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन दे आर सीइंग द एनुअल रिपोर्ट्स, बट इन माय ओपिनियन नोट्स ऑफ अकाउंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एनुअल रिपोर्ट. ये हर चीज को डिस्क्लोज कर रहा होता है. इफ समटाइम्स यू वुडंट सी एनी हेड अंडरस्टैंडेबल, कोई चीज नहीं समझ आ रही है, गो फॉर द नोट्स ऑफ अकाउंट्स, यू वुड बी क्लियर अबाउट ईच एंड एवरी थिंग. पार्टीज इन्वॉल्व इन स्टैंडर्ड सेटिंग, क्या क्या पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? थ्री ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग AICPA, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड FASB, दीज पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द स्टैंडर्ड सेटिंग्स. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के ऊपर बात करते हैं. एस्टैब्लिश्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर पब्लिक कंपनीज, सिक्योरिटी एक्ट 1933 है एंड देन सिक्योरिटी एक्ट 1934 है. एनकरेज प्राइवेट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, यही लेके आया दूसरी बॉडीज को कि नाउ वी शुड डेवलप अ रूल इन विच ईच एंड एवरी अकाउंटिंग रिपोर्ट और अकाउंटिंग स्टेटमेंट शुड बी डेवलप्ड. सिक्योरिटी SEC रिक्वायर्स पब्लिक कंपनीज टू एडहियर टू गैप. SEC ने क्या कहा? उसने रिक्वायर किया कि दैट पब्लिक कंपनीज को एडहियर करना चाहिए गैप के साथ. अगर गैप के साथ वो एडहियर नहीं करेंगे, मींस टू से गैप के साथ नहीं मैच करेंगे, तो वहां पे कंपैरिजन मुश्किल होगा, बिकॉज एवरीवन हैज डिफरेंट कल्चर, वो डिफरेंट तरीके से इसकी रिपोर्टिंग करते हैं. SEC ओवरसाइट, ओवरसाइट मींस कि SEC ने सारी ओवरव्यूज कंप्लीट चीजों को एक कन्फाइन किया कि नाउ द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, व्हाट इज दैट, वी शुड डेवलप आवर रूल्स. The objective setter is the Security and Exchange Commission. Enforcement Authority, it acts as the enforcement of authority. कि जिसने enforce किया कि now there must be a single rule जो सबको apply करना must है. Otherwise annual reports develop नहीं हो पाएंगी या similar नहीं हो पाएंगी और auditable नहीं होंगी, because audit is also being a requirement of every firm. नेक्स्ट वन इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ CPA, AICPA, नेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिश द फॉलोइंग कमिटी ऑन अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड्स. नाउ टू द डिफरेंट थिंग्स, एक बता रहा है कि अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए, एक बता रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड क्या होना चाहिए. फर्स्ट वन 1939 to 1959, ये कमेटी कब तक रही? 1939 to 1959, इशूड 51 अकाउंटिंग रिसर्च बुलेटिन. नाउ हर चीज के ऊपर जब आपको एक रूल बनाने हैं आपने, उस रूल के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ी सी पब्लिकेशन, थोड़ा सा हर एक के व्यूज को सामने लाना जरूरी है. और वो व्यूज कब सामने आते हैं? व्हेन यू असाइन दीज थिंग्स इन अ पब्लिकली अवेलेबल मीडियास दैट आर लाइक बुलेटिन्स, कि उन्होंने ये सब चीजें बुलेटिन्स में सामने लाना शुरू कर दी कि ये रूल होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, दीज आर द रिसर्चेस, इस रूल को ज्यादा बेहतर होना चाहिए. यानी मींस टू से एवरीथिंग इज नाउ गेटिंग पब्लिश्ड. प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम अप्रोच फेल्ड, दैट इज द इशू. प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम, हमने कहा जी कल्चर की वजह से इशू आ रहा है. इफ वी आर जस्ट स्पेसिफाइंग कल्चर एंड एड्रेसिंग दिस सिंगल प्रॉब्लम, वो चीज दूसरों को अफेक्ट कर रहा था कि नहीं, इफ कल्चर इज बीइंग असिस्टेड, हम लोग सेम लेवल पे नहीं आ सकते. अगर हम हर कल्चर को या कल्चर को एड्रेस करेंगे तो हम सेम रूल्स नहीं बना सकते. तो दैट इज बीइंग फेल्ड. तो उन्होंने इसी के लिए जो बुलेटिन्स थे उनको उस तरह पब्लिश करना शुरू कर दिया. अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड 1959 to 1973 इश्यूड 31 प्रिंसिपल बोर्ड ओपिनियंस. नाउ उन्होंने बुलेटिन इशू किए, यहां पे ओपिनियंस आई और ओपिनियंस रिकॉर्ड हुई. जिस तरह डिस्कशंस रिकॉर्ड होती हैं, वहां ओपिनियंस रिकॉर्ड हुई. जिस तरह कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनमें वो ओपिनियंस रिकॉर्ड हुई. वीट कमेटी एक बनी जिसका काम यही था कि ओवरऑल अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स को सेट करें कि ये जो जितने भी बुलेटिन इशू हुए या बोर्ड ओपिनियन इशू हुए, इन सारों को लेके इनकी रिसर्च को कंबाइन करें और कोई सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स बनाए. एंड व्हाट द रिकमेंडेशन अडॉप्टेड इन 1973, वही रिकमेंडेशंस, जो रिकमेंडेशंस वीट कमेटी ने दी हैं, उसी को हमने यूज करना है फॉर डेवलपिंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स.
Financial Accounting Standard Board. Weed Committee's recommendation resulted in creation of Financial Accounting Standard Board. Now that's the creation of what? Previous Weed Committee. Financial Accounting Foundations, Financial Accounting Standard Boards, Financial Accounting Standards Advisory Council. तीन चीजें सामने आई हमारे पास. इन तीनों के functions क्या थे? Select members of FCA fund their activity, exercise general oversights. यानी उसका काम क्या था कि foundations ले करें. कौन कौन सी? कि एक्साइज कैसे होनी चाहिए, जनरल ओवरसाइट ऑफ फंड्स देयर एक्टिविटीज, कि अपनी एक्टिविटीज को कैसे फंड किया जाए. नेक्स्ट वन इज मिशन इज टू एस्टेब्लिश एंड इंप्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग. ये इसका मिशन था, कि दैट इज द बेसिक मिशन ऑफ FASB. कंसल्ट ऑन मेजर पॉलिसी इश्यूज, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग. यही थे जो पॉलिसी के जो भी इश्यूज आ रहे थे, चाहे गैप के साथ थे, गैप की एप्लीकेशन के साथ थे, किसी के साथ भी थे, वो पॉलिसी इश्यूज इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे. पार्टीज इन्वॉल्व इन इंसिडेंट सेटिंग. नाउ द चेंजिंग रोल ऑफ AICPA. AICPA का जो रोल चेंज हो रहा है उसका क्या इफेक्ट आ रहा है? द AICPA एस्टैब्लिश्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी ACSEC फॉर ऑडिट एंड अकाउंटिंग गाइड्स, स्टेटमेंट ऑफ पोजीशंस एंड प्रैक्टिस बुलेटिन. ये उसके तीन पर्पस थे जो उसने पूरे करने थे. ऑडिट एंड अकाउंटिंग गाइडलाइंस डेवलप करें, स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन वो डेवलप करें, एंड प्रैक्टिस बुलेटिन. जो बुलेटिन पब्लिश किए गए थे बाय AICPA वो यहां पे प्रैक्टिस किए जाएं. AICPA एंड ACSEC नो लॉन्गर इश्यू अथॉरिटेटिव अकाउंटिंग गाइडेंस फॉर पब्लिक कंपनीज. कि वो इश्यू नहीं कर रहे थे अथॉरिटेटिव अकाउंटिंग गाइडलाइंस फॉर पब्लिक कंपनी. PCAOB oversees the development of accounting standards. Now PCAOB oversees the development of accounting auditing standards. क्योंकि देखिए accounting के standard है तो auditing के standards भी आने चाहिए. That's mean कि AICPA and ACSEC if they are developing the accounting guidance, then PCAOB is developing the auditing guidance. कि आपने जब audit करना है तो आपने कहाँ कहाँ देखना है, क्या क्या चीजें उसके अंदर important है. So that means we have concurrently developing both things. One is guidance and other one guidance for accounting. Another one is the guidance for auditing. Principles that have substantial authoritative support. कौन कौन से principles थे जिसके अंदर authoritative support include थी? Major sources of gap कौन कौन से थे? FASB, ABP opinions, AICPA accounting research bulletins. Now that again bulletins, opinions, एंड FASBs, दीज आर द थ्री थिंग्स जिन्होंने मिलके क्या बनाया था? गैप अकाउंटिंग प्रिंसिपल. नाउ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहुंचे थे? ACP अकाउंटिंग इंटरप्रिटेशन के हर एक की. एसेट किसको कहना है? लाइबिलिटीज किसको कहनी है? इन्वेंट्रीज किसको कहनी है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज किसको कहना है? फिक्स्ड एसेट्स किसको कहना है? वो सारी इंटरप्रिटेशन इसमें इंक्लूड की थी. FASB इंप्लीमेंटेशन गाइड्स, कि FASB किस तरह इंप्लीमेंट होनी और क्या इसके इंप्लीमेंटेशन गाइड्स हैं. वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रेवलेंट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, कि ऐसी आपने प्रैक्टिस लेके आनी जो हर एक कंपनी की सिमिलर हो. जैसे मैन्युफैक्चरिंग की सेम आ रही है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन आती है. मीन्स जैसे ग्रॉस प्रॉफिट दोनों निकालते हैं, नेट प्रॉफिट दोनों निकालते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों शो करते हैं. फर्क सिर्फ क्या आता है कि मैन्युफैक्चरिंग में CGS आ रही होती है, सर्विसेज में CGS किसी और तरीके से आ रही होती है. दैट इज इंपॉर्टेंट चेंज. FASB इमर्जिंग इश्यूज टास्क फोर, कोई और फर्दर इश्यूज जनरेट हो रहे हैं, कोई नए बिजनेस आ रहे हैं तो उसमें इमर्जिंग इश्यूज जनरेट हो रहे होंगे, उनको कैसे डील करना है? दैट इज रिलेटेड टू FASB इमर्जिंग टास्क फोर्स, emerging issues task force. AICPA, ACSEC practice bulletins that are also being part of the gap rules. FASB technical bulletins that are not being discussed previously, but they are also being important because FASB ne bhi kuch technical bulletin nikale ki hame dividends ko kaise note karna chahiye, uski entries kaise karni chahiye, usko record humne financial statements mein kaise karna hai. AICPA industry audit and accounting guides that are also being done. AICPA statement of position, ki statement of position means when we talk about statement of position that means we are talking about statement of balance sheet. Yaad rakhiyega, when we talk about statement of position we are meaning that it's a balance sheet because wo hame financial position bata raha hota hai.
कि इस टाइम हमारी फर्म की कितनी लागत है. इन अदर वर्ड्स, व्हाट वैल्यू डज आर फर्म पोजेस ऑफ, हाउ मच वैल्यू ऑफ एसेट्स डज आर फर्म कंटेन्स. FASB स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन एंड स्टाफ पोजीशंस दैट आर आल्सो बीइंग डिस्कस्ड. ABP ओपिनियंस दैट आर also being part of GAAP rules, AICP accounting research bulletins that are also being part of GAAP rules. Similarly, जैसे अभी statement of financial positions मैंने बताया है, इसी तरह statement of performance कहीं पे लिखा हो तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है income statement, because income आपकी overall performance को show करता है. तो that means statement of position and statement of financial performance means income statement and balance sheet. Then again, what's the review question? Which of the following accounting pronouncement is the most authoritative? In saron ko dekhen to which one is the most authoritative? So mostly when we say that FASB is the statement of financial accounting concept that are being generated by the AICPA accounting principal board opinion. FASB technical bulletins that is also being AICPA accounting principal board opinion. If we see AICPA statement of position that is also being developed by the AICPA accounting principal board opinion. So in that means all these three things are developed by the AICPA accounting principal board opinion. So that means C is the correct options. So now these review questions would help you to identify ki haan ji iska concept ka matlab ye tha. That remains a notch in your mind ki you would never forget ki what is the main foundation for the GAAP, and the main foundation is the AICPA. So that is being a notch in your mind that now this is being remembered as it is come in the review question. That why I put the review questions. Issues in financial reporting. Kuch issues bhi exist karte hain financial reporting mein. GAAP in political environment. Political environment has an impact. Now you can see that there is a web. And in the web, FASB is in the center and everybody is affecting on the FASB, and FASB's further result is a generally accepted accountant principle. Yehi humne study kiya hai ki overall AICPA and other unki sari cheezon ne milke kis cheez ko generate kiya FASB ko, jisne foundations lagayi, missions generate kiye aur apne issues bataye ki policy issues kaun kaun se the, and then all these issues are combined by FASB and forms the generally accepted accounting principle. कि उन सब ने मिलके क्या चीज बनाई, generally accepted accounting principle. GAAP is as much a product of political action as they are careful logic and empirical finding. GAAP पे ज्यादातर political environment का effect आ सकता है, because as they are the careful logical and empirical finding, because much of the product is because of political actions. कि यहाँ पे हमेशा committees ने develop किया. Now what the other committees decide, उसकी वजह से गैप पे इफेक्ट आ सकता है कि इफ द कमेटी हैज डिफरेंट पर्पसेस, वो डिफरेंट पर्पसेस के साथ आपके गैप को डिफरेंटली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा. एक्सपेक्टेशन गैप्स दैट इज अनदर इश्यू ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. व्हाट द पब्लिक थिंक अकाउंटेंट शुड डू वर्सेस व्हाट द अकाउंटेंट थिंक दे कैन डू. मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों में हमेशा डिफरेंस आता है. Sometimes people say that okay, accountants are doing only matching the figures. Kuch kehte hain nahi, they are actually accounting for each and everything. Kuch ye bhi kehte hain that they are only doing the manipulating of figures. Har ek ke apne opinions hai. You can meet many people with different opinions about the accountants. Koi kahenge nahi, they are earning well just because of small knowledge. But no, ये सारी इंफॉर्मेशन शायद गलत हो, बिकॉज अकाउंटिंग का पर्पज जैसे हम पढ़ रहे हैं दैट देयर आर डिफरेंट पर्पजेस दैट आर रिक्वायर्ड. फर्स्ट इज डिफिकल्ट टू क्लोज इन लाइट ऑफ अकाउंटिंग स्कैंडल्स, बिकॉज यहां पे अब जब बात करते हैं यहां पे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आप, डिफिकल्ट टू क्लोज इन लाइट ऑफ अकाउंटिंग स्कैंडल्स. हम सिर्फ अकाउंटिंग को इस बेस पे नहीं देख सकते कि उसके बारे में बहुत सारे स्कैंडल मिले, गबन की हमें बहुत सारे केसेस मिले, तो हम कहेंगे नहीं दैट मींस कि अकाउंटेंट जो है वो ज्यादातर गबन ही करते हैं. नो, दे डू फ्रॉड एट द लीस्ट केस, एंड फ्रॉड इज ऑलवेज बी रिलेटेड टू अ पर्सनल नेचर रादर देन प्रोफेशनल नेचर, बिकॉज एंड पर्सनल नेचर इस चीज के रिलेट करेगी, प्रोफेशनल नेचर नहीं करेगी, और इफ देयर इज सम प्रोफेशनल अकाउंटेंट वो कभी ऐसे काम नहीं करता. सर्मेंस ऑक्सली एक्ट 2002, ये एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया था जिसका पर्पस क्या था कि यहां पे अकाउंटेंट को
रूल्स को डिफाइन करे, उसकी एक तरह से जिस तरह कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करे, और उस जॉब डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करे और उसको बताए कि दैट इज बीइंग मेट बाय द अकाउंटेंट्स, इन स्टैंडर्ड्स को या इन एक्सपेक्टेशंस को मीट करना चाहिए। पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड PCAOB, ये क्यों डेवलप किया गया? बिकॉज एक्सपेक्टेशंस, हमें ऑडिटिंग की जरूरत पड़ गई। क्यों ऑडिटिंग की जरूरत पड़ गई? बिकॉज हमें जब अकाउंटिंग बनाई तो उसको मॉनिटर करने के लिए तो कोई चाहिए होगा ना, और मॉनिटरिंग के लिए भी रूल्स चाहिए कि मॉनिटर किस किस लेवल पे करना चाहिए। बिकॉज जब हमने बात की कि फ्रॉड होना शुरू हो गए, एक्ट्स बनना शुरू हो गए, तो उन फ्रॉड्स को कवर अप करने के लिए कोई मॉनिटरिंग तो चाहिए होगी ना, कोई जो उसे देखे, और उस देखने के लिए यहां पे हमारे पास जो बनी वो थी PCAOB, जो ऑडिटिंग कमेटी बनी, जिसके अंदर ये रूल्स है कि आपने इनको कंट्रोल कैसे करना है। इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कुछ चैलेंजेस इन्वॉल्व होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट्स, फॉरवर्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन, सॉफ्ट एसेट टाइमलीनेस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो नॉर्मली मिलते हैं। इनसे रिलेटेड इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हैं। नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट्स, समटाइम्स ये बहुत ज्यादा इश्यू होता है कि यू आर नॉट मेजरिंग एनी नॉन फाइनेंशियल थिंग इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू शुड मेजर इट। लेकिन जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव थिंग को, तो हम कैसे इन टर्म्स ऑफ नंबर उसे मेजर करें, किस तरह मेजर करें, कैसे मेजर करें, किस जगह पे मेजर करें उसे, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट इशू। फॉरवर्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन मींस टू से कि हम लोग सिर्फ आगे को देख रहे होते हैं कि हमने 2005 से 2006 गए, 2000 रिवर्स बैक पे नहीं देख रहे होते कि हमारे पास पीछे हम क्या क्या चीजें छोड़ आए हैं। हम सिर्फ प्रोजेक्शंस जो है फॉरवर्ड ही कर रहे होते हैं, हमने अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं दे रहे होते। सॉफ्ट एसेट्स को हम लोग मेजर नहीं करते। इफ यू टॉक अबाउट सॉफ्ट एसेट्स, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट एसेट्स में, जिसमें हम लोग कहते हैं कि दैट देयर इज नो टेंजिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिए, जिसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, तो दीज आर द सॉफ्ट एसेट्स। टाइमलीनेस, टाइमलीनेस को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिकॉज समटाइम्स देयर इज अ क्वार्टर, देयर इज अ मंथ, देयर इज अ सेमी एनुअल, देयर इज अ एनुअल। अब किसी का ईयर किस टाइम शुरू हो रहा है, पाकिस्तान में सारी फर्म्स मोस्टली सितंबर 30th को क्लोज होती हैं, बाहर के कंट्रीज में हम सारी फर्म्स 30th दिसंबर को क्लोज हो रही होती हैं, यहाँ कुछ फर्म्स जो है वो 30th जून को भी क्लोज हो रही होती हैं। सो टाइमलीनेस इज ऑल्सो बींग अ चैलेंज कि किस टाइम होना चाहिए। सो टाइमलीनेस कैन बी सॉल्व बाय आइडेंटिफाइंग अ फिस्कल ईयर। Fiscal year is the year in which the firm completes its one complete year. Now, the international accounting standards, two set of standards accepted for international use. First is GAAP, issued by FASB. Another one is IFRS, issued by IASB, International Financial Reporting Standards, issued by IASB. FASB and IASB recognize that global markets will best be served if only one set of GAAP is used. FASB और IASB ने दोनों ने ये identify किया कि global market में ज्यादातर जो use करना चाहिए वो GAAP को use करना है, and GAAP पे दोनों का इत्तफाक राय हो गया था। जब दोनों GAAP को use कर रहे हैं, in that case we can say कि there is a single rule that is guided by IFRS and FASB, and that is GAAP. But इन दोनों की अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड मोस्टली दिस डिफरेंस विल बी सीन इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड स्पेसिफिकली रिगार्डिंग एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वन ग्रुप सेज दैट द एक्सपेंसेस रिगार्डिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज शुड बी पुट इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी साइड, बट अनदर वन से नो मैटर इफ यू पुट दीज एक्सपेंसिस इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी साइड। सो देयर इज सम डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इन दीज टू टाइप ऑफ रूल्स। All together, both rules would be same and according to the GAAP. Issues in financial reporting, CA GAAP terminologies. GAAP में कुछ terminologies use की हुई हैं। उन terminologies का मतलब क्या है या कौन-कौन सी terminologies आती हैं? With accounting and finance, it often helps to be fluent in abbreviation and acronyms. हमने अभी बहुत सारे पढ़े FASB, AICPA, ACSCC, PCAOB. What are these? These are the terminologies. Presented is the list of common accounting acronyms. Identify the terms
फॉर विच ईच एक्रोनिम स्टैंड्स एंड प्रोवाइड अ ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ ईच टर्म. हर डेफिनेशन की हम ब्रीफ टर्म्स बताते हैं. ए आई सी पी ए, सी ए पी, ए आर बी, ए बी पी, ए पी बी, एफ ए एफ, एफ ए एस ए सी, एस ओ पी, गैप, सी पी ए, एफ ए एस बी, एस सी सी, आई ए एस पी. दीज आर द मोस्ट कॉमन एक्रोनियम्स यूज इन गैप रूल्स. नाउ देर आर सम इथिक्स इन्वॉल्व इन एनवायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. इन अकाउंटिंग वी फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर एथिकल डायलमास. गैप डज नॉट ऑलवेज प्रोवाइड एन आंसर. इथिक्स के बारे में गैप में कोई चीज भी इन्वॉल्व नहीं. एंड दैट्स अ बेसिक लैकिंग ऑफ गैप. डूइंग द राइट थिंग इज नॉट ऑलवेज इज ईजी एंड ऑब्वियस. हम अगर बिल्कुल सही तरह चलें, एग्जैक्टली चलें, समटाइम्स इट इज नॉट ईजी और ऑब्वियस. यानी कि ईजी भी नहीं हो सकता और मे बी ऑब्वियस भी ना हो. इन अकाउंटिंग वी फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर द एथिक्स. एथिक्स में कई तरह से आते हैं, लेकिन एथिक्स के बारे में कि आपको क्या एथिक्स होनी चाहिए. मैं कई दफा अगर बैलेंस शीट को मैंने बैलेंस करना है, तो अगर मैं कोई चीज अनइंटेंशनली बढ़ा रहा हूं, या मैं सोच रहा हूं अच्छा शायद ये जो डिफरेंस है मे बी कैश में पड़ा हो या कैश से गया हो, और उसे मैं वहां से एडजस्ट कर रहा हूं, सो दैट इज टू सम एक्सटेंट ये एथिक्स के खिलाफ है. और एथिक्स जब खिलाफ है तो इट हैज एन इफेक्ट ऑन द ओवरऑल अकाउंटिंग टर्म्स. गैप में एथिक्स के बारे में कोई चीज भी नहीं कही गई. बट वी से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नाउ देर आर सम IFRS दैट इज सम इनसाइट्स इन्वॉल्व. वट मीन्स द इनसाइट? इनसाइट मीन्स दैट नाउ वी आर सीइंग वट IFRS हैज समथिंग. गैप को हमने स्टडी कर लिया, IFRS को नहीं किया. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन IFRS होता क्या है? इश्यूज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड यूज्ड ऑन मोस्ट फॉरेन एक्सचेंजेस. स्टैंडर्ड यूज्ड बाय फॉरेन कंपनीज लिस्टेड ऑन US सिक्योरिटी एक्सचेंजेस. IFRS यूज्ड इन ओवर 115 कंट्रीज. 115 कंट्री में IFRS यूज किया जाता. हमने भी यही बात की थी कि दोनों गैप को फॉलो कर रहे हैं, बट इन बोथ द रूल्स 115 कंट्रीज में, तो वहां पे फर्क क्या होगा? देन अगेन वही स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का. दो डिफरेंस एग्जिस्ट एट मेनी डिफरेंट लेवल्स आल्सो, बट जो नजर आते हैं वो ज्यादातर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में नजर आते हैं. वन मोर थिंग, हमने अभी बात की थी कि देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर द सब्जेक्टिव नेचर और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, और देयर इज ऑलवेज बी समथिंग रिगार्डिंग क्वालिटेटिव थिंग्स. इसमें यह भी कहा गया था कि इफ देयर इज नम समथिंग दैट इज नॉट क्वांटिफाइबल, देन व्हाई नीड टू क्वांटिफाई. बट अब जो रिसेंटली कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है? वो कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि इफ यू कांट ऑब्जेक्टिवाइज द सब्जेक्टिव थिंग्स, इफ यू कांट मेक समथिंग ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द सब्जेक्टिव थिंग, सो दैट मीन्स यू कुडंट अकाउंट फॉर. लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कोई चीज होती है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आपके आसपास क्या हो रहा है. ग्रीन एनवायरमेंट के आप बोर्ड देखते हैं, ये क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, चैरिटी दे रहे हैं, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप एटलीस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो इंक्लूड करें कि कितनी चैरिटी दी गई, एनवायरमेंट ग्रीन रखने के लिए क्या क्या किया, बिकॉज दैट इंप्रूव्स योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडेक्स. CSR इज द इमर्जिंग टर्म. ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडेक्स भी आपका इंप्रूव होता है, उससे ओवरऑल कंपनी की रेटिंग इंक्रीज करती है. सो दे प्रेफर टू हैव द स्टेटमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर एनुअल रिपोर्ट. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कमीशन ऑस्को डू नॉट सेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेडिकेट टू इंश्योरिंग दैट ग्लोबल मार्केट्स कैन ऑपरेट इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बेसिस. इसका काम कोई रूल, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना नहीं था. इसका काम क्या था? ग्लोबल मार्केट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में वर्क करे अंडर दीज रूल्स, गैप एंड ऑल दीज थिंग्स, कि वो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में पूरी तरह वर्क करे बट अंडर दीज रूल्स. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IASB composed of four organization: International Accounting Standard Committee Foundation IASCF, International Accounting Standard Board IASB, Standard Advisory Council, International Financial Reporting Interpretation Committee. Now you can see everybody has different committee. Interpretation ki different committee hogi. उसको इंटरप्रिटेशन के बाद उनको फर्दर कन्वर्टिंग इनटू द ट्रायल बैलेंस या अदर उनकी जो
डिसाइड करने के वेदर इट्स एसेट और लाइबिलिटी, उसकी कमेटी डिफरेंट हो गई. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिफरेंट कमेटी हो गई. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रिटेशन की डिफरेंट कमेटी हो गई. एवरी कमेटी हैज इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हर एक के पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्फाइंड है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. और इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जब कंबाइन किया गया तो हमारे पास क्या है, रूल आए, और उसे हमने कहा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स, और जिसके थ्रू ही हमारे पास सारी चीजें क्या आई, गैप, जिसके अंदर ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी, यानी गैप को बनाने में इन सारी सब कमेटीज का बहुत बड़ा रोल है. नाउ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना था, IASC 22 ट्रस्टीज. नाउ दीज आर द होल हायरार्की, कि किस किस तरह से हमारे पास किस कमेटी में कितने मेंबर्स थे और किस किस तरह से उन्होंने आपस में वर्क किया. IASC फाउंडेशन 22 ट्रस्टी अपॉइंट्स ओवरसीज रेस फंड्स बोर्ड 12 फुल टाइम एंड 2 पार्ट टाइम मेंबर्स, सेट टेक्निकल एजेंडा, प्रोवाइड स्टैंडर्ड एक्सपोजर ड्राफ्ट एंड इंटरप्रिटेशन, स्टैंडर्ड एडवाइजरी काउंसिल 30 और मोर मेंबर, International Financial Reporting Interpretations Committee 14 members. Now these are the whole structure. Now you can see over there IASC Foundation, what they are going to account for, that is Standard Advisory Council and International Financial Reporting Interpretation Committee, yani wo foundation in dono ko govern kar rahi hai. And by the time there is a board जिसके साथ उसकी continuous collaboration आई, देखें you can see that the arrows are going up and also going down, means there is a full interactions between these all boards and advisory councils. You can see over there in the down, there is some arrows that are dotted, there are some arrows that has been dashed. The dashed arrow means appoints, and the direct arrow means reports to, and the dotted arrow means advises. The dotted arrow means standard advisory council are going to advise the IASC foundation 22 trustees and board. However, the appointment of a standard advisory council and international financial reporting interpretation committee is done by IASC foundation, and all the reporting of board is being done to the IASC foundation, and IFRIC is going to report to the board. So that is the whole structure of the international standard setting structure. Now there is again a review question. IFRC stands for, simple sa question hai. Humne itni sari terminologies padhi, there is a chance that you would forget some main terminology. IFRS stands for International Federation of Reporting Services, Independent Financial Reporting Standards, International Financial Reporting Standards and Integrated Financial Reporting Standards. I think it's easy, it's C. Review question. The major key player on the international sides are the IASB and FASB, SEC and FASB, OSCO and SEC, IASB and IOSOC, SCO, IASB and FASB. Now these are the key players, means to say किन्होंने ये start किया gap को बनाना, कहां से basic foundation start हुई, कहां से ये चीजें develop होना शुरू हुई, that's the important thing, और वही हमें गाइड करेगा कि किधर पे हम लोग कहां पे लाए करते हैं. यहां पे देखें तो एक कॉम्बिनेशन सा चल रहा है, SEC FASB, OSCO एंड SEC, IASB एंड OSCO, यानी ईच वन हैज इट्स ओन लेवल. सो दैट इज IASB एंड OSCO, दीज आर द की प्लेयर्स इन इंटरनेशनल साइड, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि IASB कहां गाइड करता है, फॉरेन एक्सचेंज, 115 कंट्रीज में ये अप्लाई होता है. सो दैट मींस इंटरनेशनल साइड पे तो IASB होगा ना, एंड FASB couldn't be on the international side because it is used for making the gap rather than internationally. Which body from the US side is similar to IASB? कौन सी बॉडी US में सिमिलर थी जो IASB थे? That is SEC, FAFB, FASB, FASC and FAF. Now you can see it's also being the easy one because it's B, FASB. IASB ने foundation रखी थी international side की और FASB ने foundation रखी थी for the gap. तो दोनों का देखें तो सेम आ रहा है, बिकॉज US इज फॉलोइंग गैप एंड ऑन इंटरनेशनल साइड दे आर फॉलोइंग IASB.
Pakistan is also following the gap rules because our standards are more towards American standards rather than British standards. One more thing, एक चीज़ और याद रखिएगा, जब accounting की बात आती है तो यहाँ पे दो standards exist करते हैं. One is British standards and other one is the American standards. Both are altogether different. One is following IFRS and other one is following GAAP. More or less, the accounting would be the same, but the recording of journal entry and interpretation, they are different, but the financial statements of both are always be the same. Entries different tarike se record karte hain aur interpretations thoda sa different hota hai, but jo unki cash statement of balance sheet, statement of income statement, statement of cash flow, ye unka similar hota hai over time. ये उनका ज्यादा नहीं होता, ये ज्यादा डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता. सो दैट्स व्हाई वी से दैट बोथ फॉलोज मोर और लेस गैप रूल्स, बट द बैकग्राउंड इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. टाइप्स ऑफ प्रोनाउंसमेंट्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन. नाउ दीज आर द थ्री थिंग्स दैट आर बीइंग यूज्ड, प्रोनाउंसमेंट्स जो पब्लिश हो चुकी हैं, जो पब्लिश होने के बाद यूज की जाती हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड दैट आर IFRS, दैट इज द होल बुकलेट यू कैन से दैट. फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि फ्रेमवर्क क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे वर्क करती है, किस तरह वर्क करती है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन, कि वो इंटरप्रेट कैसे करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को. अच्छा, वन मोर थिंग, ये हम सारे रूल्स इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इश्यूज आर ऑल्सो बींग देयर एंड इश्यूज आर ऑल्सो बींग प्रैक्टिसेस और इन द प्रैक्टिसेस. बिकॉज इश्यूज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हैं तो जाहिर बात है आफ्टर सम टाइम्स दीज आर कन्वर्टिंग टू द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव स्टडीज मैनी इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कौन कौन से इश्यूज हैं एंड ऑल्सो बींग सम चैलेंजेस, जिनमें हमने सब्जेक्टिव मेजरमेंट्स एंड टाइमलीनेस एक्सेट्रा डिस्कस किया था. दीज ऑल इंक्लूड्स टू फॉर्म दैट देयर इज सम differences regarding these accounting standards and these differences causes the issues in the accounting practices. Hierarchy of IFR, companies first look to international financial reporting standards, international accounting standards and international originated by international financial reporting interpretation IFRIC and former standing interpretation committee. Now these are the whole company first look, कि IFRS अगर apply कर रहा है तो first पहले किस में देखेगा, IFRS को देखेगा, then international accounting standards क्या है उनको देखेगा, and then interpretation originated by international financial reporting interpretation committee or the former standing interpretations committee. Now IFRI former name is SIC, इसका दूसरा नाम क्या है SIC, कि SIC में हम क्या कहते हैं, किस तरह वर्क करती है, किस तरह ओवरऑल वर्किंग चलती है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट हायरार्कीज ऑफ IFRS ऑन विच एक्चुअल IFRS वर्क्स, IFRS की वर्किंग कैसे होती है और किस तरह वर्क करती है. नाउ देयर इज अगेन अ रिव्यू क्वेश्चन. IFRS इज कंप्राइज्ड ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड FASB financial reporting standards, international financial reporting standards, international accounting standards and international accounting interpretations, international accounting standards and international accounting interpretations, FASB financial reporting standards and international accounting standards. Now going back to the gap, first developed SEC, who has governed, who has enforced to develop a law, and then AICPA who developed FASB, and FASB has developed the three committees which has played a major role in development of GAAP. In the previous way, AICPA have developed two things, one is for the accounting procedure and other one is the accounting principle. Accounting procedures have developed 54 bulletins, published 54 bulletins, and there are certain number of opinions regarding accounting principles. Then they have combined to form GAAP rules, and the GAAP rules are being implemented to the most of the countries, and after that there is a international accounting standard board IASB which is used for the foreign exchange, and then there is a 115 countries which are implementing these things.
कि यहाँ पे 115 कंट्रीज थी जिनमें ये चीज इंप्लीमेंट हो रही थी. और उसके बाद देयर इज सम अदर इंटरप्रिटेशन कमिटीज एंड देयर आर सम अदर गाइडिंग कमिटी. सो दीज ऑल कमिटीज फॉर्म्स द होल रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. IFRS is comprised of International Financial Reporting Standards and FASB Financial Reporting Standards. You have seen all these four options and the correct one is B. International Financial Reporting Standards, International Accounting Standards and International Accounting Interpretations. These all three things are done by IFRS. If you see all three options, to yahan pe kya hai? Mix hai. International and FASB. Then again, International Accounting Standards and International Accounting Interpretations, FASB Financial Reporting Standards and International Accounting Standards. These are the different things. यहाँ पे differences exist कर जाते हैं कि क्या differences इनके बीच में लाए कर रहे हैं. So these are the differences that exist among these things. More or less, जब भी आपका review questions or anything like multiple choice है. First see the possibilities, then go for the best one, which is completely comprising your objective of that specific MCQ. So that's the important thing for the review questions. International convergence, the SEC appears committed to move to IFRS, assuming that certain conditions are met. Means SEC appears to committed to move IFRS. SEC ने कहा कि नहीं, mostly you should use International Financial Reporting Standards, assuming that certain conditions are met. Now you can see the timeline over there from 2008 to 2015. Foreign issuers allowed to file in US without reconciliation. SEC issues roadmap. Now these are the events which are going to occur over the time of 2008-2015. Means to say they are starting from 2008. Means to say SEC is now committed to move IFRS and they have taken that decision in 2008. In 2008 mein hamara kya decision tha aur usi ke sath hum move karenge. SEC issues roadmap, SEC policy statements bani thi 2010 mein. SEC staff work plan, ye pura work plan ki humne kis tarah move kar jana hai towards IFRS. SEC decide on required use of IFRS by US companies. Now mostly IFRS को ही यूज करना चाह रहे हैं. US companies, investors, auditors and regulator prepare to for use of IFRS because user को भी उसी तरफ convert करना पड़ेगा, उसी तरह देखना पड़ेगा उन्हें भी. Required use of IFRS कि IFRS का required use कितना होना चाहिए और किस तरह use करना चाहिए. Now you can see that हमने जब भी कहा था कि FASB ने gap बनाया, but gap को बनाने में FASB का role भी था, IFRS भी था. FASB is more towards the US only. IFRS is more towards the overall economies. तो जब वो economies की तरफ ज़्यादा है, तो in that case we can say that के उधर पे ज़्यादा applications आएंगी, ज़्यादा similarities, ज़्यादा generally acceptance आएगी. So that becomes the gap would be the part of IFRS. IFRS के हिसाब से gap को थोड़ा सा manipulate किया गया and gap rules are then internationally accepted. IFRS has adopted the gap in the form of international rule on which everything is being developed. So gap rule is become a part of IFRS and that's why SEC commission is also being moved towards this thing. SEC bhi iski taraf move kar gaya ki kis tarah humne iski taraf overall directions ko internationally leke aane. Because agar internationally nahi hoga to har dafa kya hoga? New things are coming. New things are for each society are being attempted, then similarity or what we say in the last lecture, homogeneity, harmonizations has been lowered. Or agar harmonizations nahi hongi, so that means anything can't be comparable. You can't compare each and everything of both. International convergence, the SEC will decide sometimes in 2011 whether to mandate the use of IFRS. It is likely that not all companies would be required to immediately change to IFRS, but there would be a transit period in which this would be accomplished. Now SEC has moved, that means every firm should have been moved, but they said no, don't make it on a further way.
कि फौरन से इसकी कन्वर्जेंस ना करें, कन्वर्जेंस को थोड़ा सा ट्रांजिट पीरियड दें, बिकॉज आपने अगर कोई रूल्स हैं, पिछले साल आपने एफएसबी और गैप के हिसाब से रूलिंग की, इस दफा अगर आपको आईएफआरएस में चेंज करना, तो यू मींस टू से ईच एंड एवरी ईयर शुड बी कन्वर्टेड टुवर्ड्स आईएफआरएस, कि हर एक पीरियड को हमने किसके हिसाब से कन्वर्ट करना है, आईएफआरएस के हिसाब से कन्वर्ट करना है, और जब हमने अगर उसे हर एक को आईएफआरएस के हिसाब से कन्वर्ट करना है, इट नीड्स अ ट्रांजिट पीरियड, इट कुडंट बी डन बाय द वन स्टेप और अ वन ईयर, सो दे हैव डिसाइडेड दैट वी शुड नाउ प्रोवाइड सम गाइडेंस और सम गाइडलाइन और सम ट्रांजिट पीरियड टू देम, टू ऑल दीज कंपनीज टू शिफ्ट टूवर्ड्स दीज थिंग्स. हाँ, मैंडेट मिल गया था एसईसी को कि नाउ वी शुड मूव टूवर्ड्स द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो इंटरनेशनली सेट हो गए थे, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल थे, एंड दे हैव डिसाइडेड इन 2011, बट दे रिक्वायर द ऑल कंपनीज ऑफ यूएस शुड शिफ्ट टूवर्ड्स दिस थिंग, बट विद अ सर्टन ट्रांजिट पीरियड, और यू कैन से दैट देयर मस्ट बी अ सर्टन ग्रेस पीरियड जिसके अंदर ये सारी चीजें अप्लाई होनी चाहिए, और ग्रेस पीरियड ही इन्वॉल्व करेगा कि दैट नाउ दैट इज द थिंग इन विच वी हैव टू अप्लाई फॉर. नाउ दैट इज द एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन. टुडेज सेशन इज अ सेशन टू. नाउ जस्ट गो टूवर्ड्स द समरी ऑफ इट. इफ यू आर गोइंग टू सी इट, वी स्टार्टेड विद समथिंग अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इन विच वी हैव सीन द ऑब्जेक्टिव्स पर्पजेज, एंड देन वी हैव सीन व्हाट आर द बॉडीज, एंड वी आइडेंटिफाइड थ्री बॉडीज, एससीसी, एआईसीपी है, एंड अ थर्ड वन इज एफएएसपी. दीज ऑल थ्री बॉडीज आर कंबाइंड टू फॉर्म अ गैप रूल्स दैट आर बीइंग अप्लाइड इन यूएस. देन देयर इज सम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, एंड विच हैव डेवलप्ड द आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ऑन विच द गैप ऑल्सो अप्लाइज. सो दीज ऑल रूल्स follows the same gap rules, but internationally the gap rules have been emerged and have some modifications to form it an international rule, and that is being followed by IFRS. Lately IFRS has also adopted by SEC, and they have ordered or authorized all companies to move towards IFRS, and IFRS and also provide some transit period. We have also discussed some review questions regarding these financial reporting standards, that how they works and how they are being developed and what are the basics of financial accounting. And the next lecture we are going to identify what are the conceptual frameworks regarding financial accounting, ki how the concept works, ki unka basically behind concept kya hai, kin cheezon pe ye work karte hain. So these all things are involved in the next lecture. So that is the end of today's session.